हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने सपने साकार क्यों नहीं होते। हर एक को सपने हैं, हर एक को अपने अपने ड्रीम्स है, हर एक को अपने अपने एस्पिरेशंस है, हर एक को अपने अपने गोल्स है, हर एक को कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, हर एक के वांट्स है, हर एक की डिज़ायर है। बहुत कुछ हम करना चाहते हैं मगर वो सपने साकार नहीं होते। किसको पढ़ाई करने की है, किसको अपनी हेल्थ अच्छी करने की है, किसको वजन कम करने का है, किसको बच्चों को पढ़ाने का है, किसको भाई अपने को अच्छा धंधा बड़ा करने का है, किसको इनकम बड़ा करने का है, किसको कुछ हॉबी डेवलप करने की है, किसको रिलेशनशिप अच्छी करने की है, या किसको कोई स्पिरिचुअल अपने अपने दिमाग में स्पिरिचुअल ग्रोथ की डेवलपमेंट करने की है। ऐसे काफ़ी सारे अपनी इच्छाएँ आकांक्षाएँ होंगी और वो हमको पूरी करने की है मगर हम करते नहीं है। हम काम तो चालू करते हैं और काम चालू करने के बाद में उसको पूरा नहीं करते। इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि हम, मतलब हर व्यक्ति, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो आरंभ शूर है। आरंभ शूर मतलब आरंभ करने में शूरवीर। हम काम शुरुआत करते, काम की शुरुआत करते हो, हमारी जो संभावना है, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो रिजल्ट्स है, वो दिमाग से धीरे 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 हटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमको रिजल्ट नहीं मिलते। हमको रिजल्ट तुरंत चाहिए। काम आज चालू किया, तुरंत कल परसों दिखना चाहिए कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है, मगर ऐसा कभी नहीं होता। देखो, मेरे को बॉडी बनाने का है, सिक्स पैक्स बनाने की है, मैंने जिम लगा दिया, फी भर दिया और मैंने जिम में जाना चालू कर दिया, अच्छा खाना चालू कर दिया और मैं देखता हूँ, अरे हफ्ता हो गया कुछ भी तो नहीं हो रहा, 15 दिन कुछ भी तो नहीं हुआ। आप बताइए हफ्ते भर में 15 दिन में कैसी बॉडी बनेगी। 8-15 दिन हम जिम में जाते हैं फिटनेस के लिए और बाद में धीरे धीरे जिम बंद कर देते, फिर कोई हमको मिलता है और कुछ सलाह देता है, हम निकल जाते हैं वहाँ से। आज हमारा जो ज़माना है ना, आज का वो है इंस्टेंट का। हमको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट गुलाब जाम, इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट सक्सेस। सबको सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए मगर परसिस्टेंस जो है, मतलब चिकाटी जो है, कंटिन्यूटी जो है, चिपक के रहना है, वो हमसे होता नहीं। इंस्टेंट इज नेवर कॉन्स्टेंट। इंस्टेंट हमको जल्दी मिलता ही नहीं। कोई भी चीज़ जो है सक्सेस, वो जल्दी मिलता नहीं है। कभी कभी तुक्का लग सकता है, कभी कभी लॉटरी लग सकती है, मगर सक्सेस, सफलता जो पानी है, अच्छी सफलता, क्लियर सफलता, बड़ी सफलता, उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा और इसके लिए अपने को चिपक के रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। एक सर का वहाँ काम करते 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 जा रहे, 42 दिन तक समझो आप कुछ काम करते हो तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। समझे, खासा ड्राइवर है, अच्छा ड्राइविंग उसको सीखने का है या अच्छा ड्राइवर करके उसको मतलब नाम कमाने का है। तो ऐसा बोला जाता है कि 50,000 घंटे जब ड्राइविंग करेगा तब वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है। 50,000 घंटे ड्राइविंग करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ में हमको मास्टरी लाने की है, महारत हासिल करने का है, तो उसमें आपको चिपक के रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एक ही काम बार 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 कर रहे हैं बिना रिजल्ट दिखते ही, दिखते भी, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे तभी भी आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। तो हमारा जो स्वभाव है ह्यूमन बीइंग का, स्वभाव कौन सा है, क्योंकि थोड़ा करना छोड़ देना, उसको आपको बदलना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको रिजल्ट तुरंत मिलने वाले है नहीं, हम वहाँ चिपक के रहेंगे और कंसिस्टेंटली काम करते 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 एक दिन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये हम करेंगे, ये पहला कारण। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ, इसमें दूसरा कारण कौन सा है। दूसरा कारण ये जो है वो है कि हमारा लक्ष्य विचलित हो जाना, डिस्ट्रैक्शन। क्या है कि मैं कुछ दिमाग में रखता हूँ कि मुझे ये करने का है, हमारे आजू बाजू में होलसेल में लोग घूम रहे हैं जो निगेटिव है और जो फुकट का सलाह हमको देते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाहगार। मतलब सलाह दे दे के ठंडागार करने वाले लोग। तो वो आपको सलाह देंगे, वो आपको सलाह देंगे ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। समझो आप जिम में जा रहे हैं, आपको बॉडी बनाने की है, कोई आके आपको सलाह देंगे आप ये जिम नहीं वो जिम चालू करो, कोई आपको सलाह देंगे नहीं नहीं जिम करके कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसा करो खाने के ऊपर कंट्रोल करो, कोई आपको सलाह देंगे नहीं नहीं आप ऐसा करो मेडिटेशन चालू करो, कोई आपको सलाह देंगे कि नहीं नहीं आप कीटो डाइट चालू करो। तो ऐसा अलग अलग लोग सलाह देंगे और आपका मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, विचलित करेंगे और फिर आपको भी लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या सही नहीं कर रहा हूँ, ये तो लोग बोल रहे हैं ऐसा करो, चलो अभी वो करके देखते हैं।
तो हम क्या है कि कंटिन्यूसली काम नहीं करते, और कंटिन्यूसली काम नहीं करने का और यश नहीं मिलने का दूसरा कारण है कि लोगों का सुनना, जो फुकट के हमारे सलाहकार है उनका। देखो नदी बहती है या समुन्द्र में जो पानी है, वो जो पानी जो है वो किनारे आते रहता है, थरकते रहता है, बड़े बड़े वहाँ पत्थर रहते हैं, उसके ऊपर पानी आता है और पत्थरों को पत्थर के ऊपर बार 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 टकराते रहता है। एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा, मगर जब बार 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 टकराता है तो वो पत्थर के ऊपर असर होकर पत्थर भी टूट जाते हैं। अब देखो पानी समझो एक आधे पत्थर के ऊपर गिर रहा है ऊपर से नीचे, वो बह जाएगा, मगर वो पत्थर के ऊपर एक सरीका बूंद 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 पानी वहाँ पत्थर के ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, वहीं एक ही जगह पे जा रहा है पानी और वहीं गिर रहा है। एक समय ऐसा आ जाएंगे कि पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगा पत्थर, मतलब जो पानी बह जाता है पत्थर के ऊपर, इतना पत्थर कठिन है, तो वो पानी भी पत्थर को तोड़ देगा। ज़रूरत है कंसिस्टेंटली काम करने की, वहीं के वहीं चिपक के रहने की, और अपना लक्ष्य जो है वो विचलित नहीं होने देने की। पानी कभी यहाँ गिरेगा पत्थर के ऊपर, कभी वहाँ गिरेगा, या कभी नहीं गिरेगा, कभी गिरेगा, ऐसा होगा तो होगा नहीं, वो पत्थर टूटेगा नहीं। आपका भी वैसे ही है कि आपको विचलित न होते हुए, डिस्ट्रैक्ट न होते हुए, लोगों के ना सुनते हुए, एक बार आपने प्लान कर लिया, एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये करने का है, बस फिर उसके ऊपर चिपक के रहने का है। लोगों ने कितनी भी सलाह दिया, लोगों ने कितना भी अपना लक्ष्य विचलित किया, तो उसमें से कोई अपना लक्ष्य विचलित होने देने का नहीं। आपके सपने जरूर साकार हो जाएंगे। आपको जो भी करना है अपने जीवन में, जो भी करने का है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा, और वचनबद्ध होकर वो काम के ऊपर प्रैक्टिस 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 चिपक के रहना, काम करते रहना, वो करेंगे और अपना डिस्ट्रैक्शन डालेंगे तो आपको जरूर यश मिल जाएगा। आपके संपर्क में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको सफलता मिलती नहीं है, और वो मतलब समझ नहीं रहा उनको क्या हो रहा है, तो आप उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ घंटी का एक पिक्चर आएगा उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। आप शेयर करो, लाइक करो। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है, वो है कि व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य। आपका भी उसमें हाथ लगना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, ताकि लोग अपने जीवन में सफलता पाएंगे, और सफलता पाते वो खुश रहेंगे, मज़ा करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, को जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।